हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज एक टाटा इंट्रा मैं देखने आया था, सेकेंड हैंड है। कंडीशन तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, सीट वगैरह थोड़ा ये है, और मगर यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ दिखाई दिया। ये देखो, अब किलोमीटर देखो, 172902, 172,000 किलोमीटर ये चल गया हुआ है। इंट्रा भी 30 है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे देखना चाहिए, क्योंकि 172,000 किलोमीटर ये डीजल और BS6 मॉडल रनिंग हो गया हुआ है और 2 साल पुराना गाड़ी है। तो फिर भी मैं एक बार देख के आपको इंजन वगैरह का साउंड सुनाता हूँ। अंदर से आपको बाहर से दिखाता हूँ। टायर भी अलाइनमेंट नहीं है, इधर का तो गया हुआ है। चलो कोई नहीं, अंदर से कुछ ऐसा है, बॉयलर में रनिंग है गाड़ी। तो फिलहाल मैं इसका और ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाता हूँ, रहने देता हूँ, फिलहाल इतना काफ़ी है। फिलहाल मैंने देख लिया, अभी उसे हैंडओवर करता हूँ और फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मिला और क्या नहीं। तो फिलहाल अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से। देखो, चलो उसकी गाड़ी, उसे हैंडओवर करके आते हैं। तो चलो इसके गाड़ी को ओनर को हैंडओवर करते हैं, फिर आगे निकलते हैं और आपके आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। तो जैसे कि मैंने इंट्रा V30 जो देखा, अभी 2 साल का गाड़ी है और चला है 172,000। तो मेरे हिसाब से 2 साल का गाड़ी 172,000 अगर चल गया ना तो बहुत चल गया। और अगर यही बोलरो का होता, मैक पिकअप वगैरह, तो मैं कहता कि चलो फिर भी 2 साल में अगर इतना चला है ना तो उसका थोड़ा ये रहता है। पर BS6 और इंट्रा भी बहुत लोग चला भी रहे हैं, मुझे उतना कोई खास इसके बारे में नहीं है, बट फिर भी 172,000 गाड़ी जब चल गया हुआ है ना, और उसका सर्विस वगैरह तो फुल, कंपनी शायद 1 लाख तक वारंटी देती है इंजन की, शायद, ये मुझे श्योर नहीं पता है। अभी कल मैं गार्ड मोटर अपना नियर बाई जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा कि इंट्रा का क्या प्राइस है नए का, और कैसे मतलब लेना होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कितना प्राइस रहेगा और कैसे होगा, वो सारा मैं कल नया एक गाड़ी देखने जा रहा हूँ। और ये तो पुराना मैंने देख लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना पुराना नहीं लूँगा, नया ही लेता हूँ। तो चलो, और वैसे भी मैं टाटा EX जब 6 महीना हो गया लगभग मुझे सेल किए हुए, उसके बाद मैंने बहुत कुछ ट्राई किया पर वीडियो में कोई अपडेट नहीं दिया। और अभी क्या है ना, फिर अपने पुरानी वाली काम और पुराना दुनिया में लौट रहा हूँ। तो चलो, अब नया जो भी करूँगा या पुराना जो भी अपने लाइफ में रहेगा वो रोज़ अपडेट करूँगा यूट्यूब पर। और बहुत दिन मैं सिलीगुड़ी बहुत जगह पे गया, घूमा फिरा, पर सारा मैंने यूट्यूब को अपडेट नहीं किया। तो चलो कुछ नया करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अभी फिलहाल गुड नाइट।